आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कौन आए? जी जी सर, ये क्या है भाई साहब? अरे अरे भैया, ओ ओ ओ भैया, ओ क्या देंगे? बम तो नहीं है इसमें? भैया पहली बार ऐसा हुआ कि कोई मुझे बॉक्स देके भग गया, मेरी तो फटी जा रही है इसमें क्या। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, आज या तो मैं रहा या मैं नहीं रहा। तो भैया मिला हमें एक संदिग्ध बॉक्स, ये है सूटकेस, और देने वाला सूटकेस देके भग गया, और ऐसे में हमारे फेफड़े कांप रहे हैं कि क्या है, खोलना इसको पड़ेगा, क्योंकि खोल लेते हैं। तो यहां पर इसमें है एक पास कोड, और नॉर्मली ऐसे का पास कोड 000 ही होता है, तो हाँ और कोई ऑप्शन भी नहीं है। खुल गया, ओहो खुल गया खुल गया खुल गया। तो यहाँ पर सूटकेस तो बहुत अच्छा है, और पता नहीं क्या ही निकलेगा इसमें। ओ ओ वो बहुत हार्ड। ये क्या तरीका है डिलीवरी बॉक्स देने का यार, देखे भग गया आदमी, यहाँ ग्लुप 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 हो जा रही है। तो भैया ये है रियलमी का फोन GT 5G मास्टर एडिशन, इन्होंने हमें सूटकेस में भेजा है। सूटकेस में क्यों भेजा है, इसके पीछे भी कुछ राज मुझे लग रहा है, हो ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर साइड में कुछ है इसमें, जो कि फोन जितना बड़ा ही है, तो इसे हम डब्बा खोल के देखते हैं इसमें क्या है। ओ ओ ओ ओ, ओ। तो यहाँ पर एक है, इट्स नॉट बेल्ट, ये सूट केस का स्ट्रैप है, ये इस सूट केस में ऐसे स्ट्रैप लटकाने के लिए। ओके, तो इसे हम गले में तो अजीब लगेगा, और यहाँ पर मास्टरी बियॉन्ड स्पीड, ठीक है भाई क्या करना है इसका पता नहीं। डेयर टू लीप, फालतू पैसे, और रियलमी का एक लोगो, ये कंपनी ने बहुत ही पैसे खर्च किए हैं इसमें अंधाधुंध। और ये हैं कुछ स्टिकर्स, जिनसे हमारे घर में अब बच्चे दीवार खराब करेंगे, मैं दूंगा ही नहीं, अभी डस्टबिन में फेंक दूंगा दूसरों को। तो ये है रियलमी GT 5G मास्टर एडिशन। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर की पन्नी छुटाते हैं। एक यूट्यूबर का शोभा नहीं देता, मुंह से पन्नी फाड़ रहा है, और ये हमारा एडिटर सब कुछ ले रहा है, सब कुछ सही है भाई, तनख्वाह कटेगी। तो ये खुल गया है डब्बा, ओह। तो डब्बे में आप देखें, सबसे पहले ऊपर मिलेगा आपको सफ़ेद गत्ता, गत्ते के अंदर मिलेगा आपको प्रेम पत्र, और यहाँ पर ये आ जाता है फ़ोन। फ़ोन को भी हम साइड में रखेंगे, आई थिंक इसमें और भी कुछ होना चाहिए, ये ट्रे, ओहो। तो यहाँ पर ये कवर दिया है, थोड़ा अलग तरह का मजबूत टाइप दिया है, और ये सूटकेस सा ही लग रहा है, आई थिंक सूटकेस देने का कारण भी यही था। नाइस नाइस कवर, नाइस कवर। और यहाँ पर आपको टाइप सी डाटा केबल दे दिए कंपनी ने, टाइप सी तो अच्छी बात होती है। और यहाँ पर मिलेगा आपको एक सुपर डेट चार्जर, 65 वॉट का ये सपोर्ट करता है, और अच्छा ये नहीं है, अभी उखाड़ देता हूँ डब्बे को। और यहाँ पे मिलेगी आपको एक सिम इजेक्टर टूल, जो बाद में खो जाती है। तो भैया फोन को हाथ में लेते ही बहुत गजब की फीलिंग आ रही है आपको, देखते ही लगेगा डिफरेंट डिज़ाइन है, हैवी सूटकेस का सा डिज़ाइन है, जो कि सूटकेस मुझे उतने पसंद नहीं है, लेकिन ये जो डिज़ाइन इन्होंने दे दिया ये इम्प्रेस कर रहा है। तो जब आप फोन को हाथ में लेंगे तो आपको बहुत मज़ा सा आ जाएगा। पहले थोपड़े की बात करते हैं, 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, वो भी सैमसंग का, मुन्नी देखो शीला देखो, आहा पूरा आनंद आ जाएगा। बाकी इसमें 778G जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का एक प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है, ये बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, अगर आप गेम वेम भी खेलते हो तो आपको कोई चिंता नहीं है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो इन्होंने प्रोसेसर भी बढ़िया दिया है, रियल में पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा काम किए जा रहे हैं, तो मैं तो इम्प्रेस हूँ। पीछे इन्होंने ट्रिपल कैमरा दिया है, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, जो कि एक ही लाइन में तीनों लगा दिए हैं, क्योंकि आप अपने मुंह को साथ लेके घूमते हैं, तो ऐसे में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया है। अगर रियर कैम के आप सैंपल्स देखें
तो यहाँ पर सैंपल्स काफ़ी संतुष्टि भरे आ रहे हैं, जैसे कि रियलमी के फ़ोन के आते ही हैं ऐसे ही हैं। यहाँ पर आप सैंपल देखें, मैं इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी शक्ल कम अच्छी है, आप बहुत अच्छे लगोगे क्योंकि आपकी शक्ल ज़्यादा अच्छी है। और सेल्फी कैमरा क्योंकि 32 मेगापिक्सल दिया है तो ये बढ़िया किया इन्होंने, क्योंकि ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने दह सेल्फी और चौंचर बना बना के वो फोटो खींचती हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा, वो खुश हो जाएंगे। बाकी इसमें 8GB रैम है और 256GB इंटरनल स्टोरेज है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। बैटरी 4300mAh दी है, बैटरी थोड़ी सी आजकल 5000mAh का जमाना चल रहा है तो इससे कम दे देते तो आदमी को लगता है कि थोड़ी ज़्यादा ही मिल जाती। इसमें 65W का सुपर डेड चार्जर है जो कि फ़ोन को बहुत तेज़ी से चार्ज करता है। बाकी इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि मस्त करके काम कर रहा है। फ्रंट कैम से भी आप फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो, फेस से भी आप अनलॉक कर सकते हो। तो कुल मिला के जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत बेहतरीन दी हुई हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी USP है इस फ़ोन की, एक तो 5G होना, डुअल 5G है, दोनों सिम में आप 5G चला सकते हो, और सबसे कमाल की बात है इसका डिज़ाइन। मुझे डिज़ाइन सचमुच, मैंने बार बार कह दिया, अजीब लग रहा है लेकिन सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। लेदर का बना हुआ है डिज़ाइन, लेदर ही है शायद या जो भी है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल प्रीमियम फील देता है। बाकी आप बताएं कि आप इस फ़ोन के बारे में क्या कहना चाहते हो, कमेंट में अपनी राय बताएं और कंपनी तक पहुंचाएं। और अब हम डांस दिखाएं। मैं बढ़िया तू भी बढ़िया, पर मैं आजाद हूँ चिड़िया, रख तू अपनी फुलझड़ियाँ बढ़िया बढ़िया।